आई वॉज वंडरिंग कि गवर्नमेंट इस सेम सेक्स मैरिज के इतने अगेंस्ट में क्यों है, जबकि 2018 के अंदर जुडिशरी ने खुद ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था। अगर हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें, जिसे गे मैरिज भी कहा जाता है, ये ऐसी मैरिज होती है जो उन दो लोगों के बीच में होती है हु आर लीगली ऑफ द सेम सेक्स। अगर 2023 तक की बात करें तो ऐसी जो सेम सेक्स मैरिजेज होती हैं, जो सेम सेक्स कपल हैं, ये लीगल हैं, लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं 34 कंट्रीज़ के अंदर अराउंड द वर्ल्ड, विच कॉन्स्टिट्यूट 1.35 बिलियन पीपल, यानी 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसमें जो एंडोरा है वो सबसे रिसेंटली ऐड हुआ है जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन मिली। अगर हम एशिया की बात करें तो ताइवान पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस तरीके के यूनियन को रिकॉग्नाइज़ किया था 2019 के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां पे इस तरीके यूनियंस को रिकॉग्निशन मिली है, जैसे कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, पोर्तुगल एक्सेट्रा। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो वर्ल्ड का पहला सेम सेक्स कपल जिसने शादी की थी, वो लीगली मैरिड, वर माइकल मैकोनल एंड जैक बेकर इन 1971 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और पहला ऐसा लॉ जिसने इक्वालिटी रखी थी बिटवीन द मैरिज ऑफ सेम सेक्स कपल्स एंड अपोजिट सेक्स कपल्स, इट वॉज पास्ड इन द कॉन्टिनेंटल नीदरलैंड्स इन 2000। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि गवर्नमेंट क्यों इस सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है, और जो पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के पास इस रिगार्ड के अंदर, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसे रेफ़र किया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। इंडिया के अंदर LGBTQ कम्युनिटी को अपने राइट्स पाने के लिए हमेशा ही काफ़ी फाइट करना पड़ा है। इनफैक्ट 2018 तक तो अगर किसी को पता चल जाता था कि कोई होमोसेक्सुअल है और कंसेंशुअली दो लोग साथ रह रहे हैं, दो होमोसेक्सुअल लोग साथ रह रहे हैं, तो उसे एक क्राइम माना जाता था। लेकिन 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया सेक्शन 377 को, और ये कहा कि जो कंसेंशुअल गे सेक्स होता है बिटवीन एडल्ट्स, उसे हम क्राइम नहीं मानेंगे इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर। इसके साथ साथ उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि कंसिडर करता था सेक्स विद द सेम जेंडर एज अ क्रिमिनल एक्टिविटी। और इसी केस के अंदर उन्होंने ये भी कहा था दैट दिस डज नॉट मीन दैट कन्फरिंग एनी राइट इंक्लूडिंग द राइट टू मैरी इज लीगल इन इंडिया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि करेंटली जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं, दे डू नॉट हैव अ राइट टू लीगली मैरी इन इंडिया। और ऐसी ही एक पिटीशन जब एक पर्सन ने फाइल की जहाँ पे ये कहा गया दैट प्लीज़ लीगलाइज होमोसेक्सुअल मैरिज, तो इसी के अगेंस्ट आ गया सेंटर। इनफैक्ट जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो भी इस बात को फेवर नहीं करते और कहते हैं कि होमोसेक्सुअल मैरिज जो है वो लीगली अलाउड नहीं होनी चाहिए। जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई तो अब बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस JB पर्दीवाला, उनका ये कहना था कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो इशू है वो काफ़ी सेमिनल इशू है, और उनका ये मानना था कि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हियर करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विच विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 5 जजेस वुड फर्दर मेक अ डिसीजन ऑन दिस पिटीशन। और उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स होंगी सेम सेक्स मैरिज की, इसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा, यानी सब लोग इस प्रोसीडिंग को देख सकते हैं। तो जुडिशरी ने अभी तक इस रिगार्ड के अंदर कोई भी जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा सेंटर है, वो अपोज कर रहा है इस तरीके की मैरिजेस को। उनका ये मानना है कि इस तरीके की जो मैरिजेस हैं, इट विल कॉज कंप्लीट हैवॉक with the delicate balance of personal laws and accepted societal values. In fact, law minister Kiran Rijiju का तो ये भी कहना है कि जो government है वो disturb नहीं करना चाहती किसी भी person की personal freedom को, और कोई भी activities जो कि individualistic होती हैं।
लेकिन ये जो इशू है ये रिलेटेड है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ पॉलिसी। और ये पॉलिसी का मैटर इसलिए हो जाता है कि अगर हम सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करते हैं तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, फॉरन मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट, बिकॉज ऑल दीज लॉज डज नॉट रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिजेस। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि LGBTQ कम्युनिटी ने काफ़ी तरक्की कर रही है, कहाँ हम एक टाइम पर 2009 के अंदर उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ये कह रहे थे कि इस तरीके के रिलेशनशिप्स कोई क्राइम नहीं होते हैं, और आज हम उन्हीं रिलेशनशिप को लीगलाइज करने के लिए ये पेटिशन फाइल कर रहे हैं। तो ये जो पूरा इशू है ये स्टार्ट हुआ था 2009 के अंदर विद द केस ऑफ नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। ये पहला केस है जहाँ पे ये हेल्ड किया गया था कि जो सेक्शन 377 है IPC का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज इट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द LGBTQ कम्युनिटी ऑफ द कंट्री एंड वॉयलेटेड देयर प्राइवेसी एज इंडिविजुअल्स। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इट वॉज गिवन बाय दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें ये बताया गया था कि जो सेक्शन 377 है वो वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस के अंदर कंक्लूड किया गया था दैट सेक्शन 377 डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्ट्स और बिटवीन कंसेंशुअल एंड नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स। ये जो जजमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड था एडल्ट्स के लिए ही, लेकिन जो सेक्शन 377 है वो माइनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आया था वो था सुरेश कुमार कौशल का केस 2013 के अंदर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस जजमेंट था नास फाउंडेशन का जजमेंट उसे ओवरटर्न कर दिया गया था और वापस क्रिमिनलाइज कर दिया गया था होमोसेक्सुअलिटी को। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि पिछले 150 साल के अंदर 200 से भी कम लोगों को इस सेक्शन के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया है, और इसीलिए प्लाइट ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ आर्ग्यूमेंट फॉर डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। इसके बाद आया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस के अंदर कोर्ट ने डिक्लेयर किया ट्रांसजेंडर्स को एज द थर्ड जेंडर और अफर्म किया दैट दे ऑल्सो हैव द फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ अस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के अंदर ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन मिला और एडमिशन मिला टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स। उसके बाद 2017 के अंदर इन द केस ऑफ जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट Everyone has the right to privacy. तो right to privacy जो है वो हमारा fundamental right है जो कि हमें provided है under article 21 of the Indian Constitution. इस case के अंदर Supreme Court ने ये भी declare किया कि हर person के पास अपनी bodily autonomy होती है which is an integral part of the right to privacy. और ये जो bodily autonomy होती है वो include करती है sexual orientation of an individual. और फाइनली हमारे पास आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इन 2018, जिसके अंदर डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को और डिसमिस किया सुरेश कुमार कौशल के केस को जिसमें क्रिमिनलाइज किया गया था होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट्स को। सो वी कैन सी कि LGBTQ कम्युनिटीज़ अपने राइट्स को डिमांड करते करते कहाँ तक आ गई है। अब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो क्या देखती है, क्या वो लीगलाइज करेगी सेम सेक्स मैरिज को या नहीं। ये तो हमें अप्रैल में पता चलेगा जब उसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।